दोस्तों आज मैं Realme Narzo 50A का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, जो कि मैं खुद के लिए ख़रीदा हूं। जी बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, अनबॉक्सिंग करने वाला हूं मैं आज। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी इंडिया में सब चलता है यार। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वैसे तो मेरा व्लॉग चैनल है, लेकिन बहुत दिनों से मैं कहीं घूमने नहीं गया और कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, तो इसीलिए सोचा अपने मोबाइल का अनबॉक्सिंग ही कर देता हूं, जो कि मैं दिवाली के ऑफ़र में लिया हूं। तो फाइनली गाइस हमारा फ्लिपकार्ट का बॉक्स ओपन होने वाला है, देखते हैं अंदर का पैकिंग कैसा है। यार बॉक्स तो ओपन होने का नाम ही नहीं ले रहा, गजब बेइज्जती है। खुल जा मेरे भाई, लगता है यार इसको अंबुजा सीमेंट से पैक किया गया है। तो फाइनली गाइस बॉक्स ओपन हो चुका है काफ़ी बेइज्जती करवाने के बाद। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मोबाइल का बिल सबसे ऊपर ही रखा हुआ है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो। All right guys, let's do it. Realme Narzo 50 in the house. तो अब ओपन करके देखते हैं बॉक्स। ये जल्दी ओपन होता है कि इसको भी ओपन करने में टाइम लगेगा, क्योंकि जो फ्लिपकार्ट का बॉक्स था वो तो अंबुजा सीमेंट से बना हुआ था। अब इसको भी ओपन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। गाइस ये भी ओपन होने का नाम नहीं ले रहा है, ये भी नहीं खुल रहा है। लगता है इसके लिए हमें चाकू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लगता है सीधे उंगली से घी नहीं निकलेगा, तो लेकिन ये बार मैं उंगली नहीं टेढ़ा करूँगा, घी का डब्बा ही पलट दूँगा, क्योंकि बात बात पे उंगली टेढ़ी करना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए मैं चाकू का इस्तेमाल करने वाला हूँ दोस्तों। फाइनली गाइस बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पर सबसे ऊपर पिन रखा हुआ है, जो कि हमारे सिम लगाने के काम आएगा, और इसके अंदर कुछ मेरी अनसुनी कहानियाँ लिखी हुई हैं। तो इसको साइड में रखते हैं बंद करके वापस, और मोबाइल को खोलते हैं, देखते हैं मोबाइल कैसा है। तो इंतज़ार की घड़ियाँ अब ख़त्म हो चुकी हैं, अब हम मोबाइल को ओपन करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर मोबाइल की कलर की बात करें यहाँ पर, तो मेरा ऑक्सीजन ग्रीन है, आपको ऑक्सीजन ब्लू भी मिल सकता है। और इसमें ख़ास बात यह है कि इसका चार्जिंग पॉइंट, एयरफोन पॉइंट और स्पीकर सब नीचे ही दे दिया गया है, ऊपर एकदम खाली है, ऊपर कुछ नहीं है। इसकी डिज़ाइन और बिल्ड की बात करें तो पीछे ये पॉलीकार्बोनेट है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, जो कि नॉर्मल इसके लिए बहुत ही अच्छा है। और इस फ़ोन में आपको 4GB रैम और 128GB इंटरनल मिल जाएगा, जो कि एक नॉर्मल फ़ोन के लिए बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों अगर इस मोबाइल की बैटरी की बात करें तो बैटरी बहुत ही अच्छा मिल जा रहा है आपको, 6000 mAh, जो कि एक मोबाइल के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर कैमरे की बात करें तो एक कैमरा आपको 50 MP का, दूसरा कैमरा आपको 2 MP का, तीसरा 2 MP का मिल रहा है, और फ्रंट कैमरा 8 MP का। साथ ही आपको 18 वाट का बहुत ही बेहतरीन चार्जर मिल रहा है यहाँ पर। और सी टाइप का डेटा केबल भी मिल रहा है अच्छी क्वालिटी का। अब इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो गूगल करो, मेरे पास जितना ज्ञान की बात थी मैंने सब बता दी। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो साथ ही सब्सक्राइब भी कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो वीडियो। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए धमाके के साथ।